गोवर्धन के बरसाना मार्ग पर एक उपनिरीक्षक की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। ये कार सामने से तेज गति में आ रही बस को बचाते समय पलटी, जिसमें उपनिरीक्षक राजीव कुमार को चोटें आईं। बरसाना में तैनात उपनिरीक्षक राजीव सिंह बरसाने से एक शव का पंचनामा भरने के लिए अपनी कार से मथुरा जा रहे थे कि रास्ते में सीह गांव के समीप अचानक से तेज रफ्तार से अनियंत्रित बस सामने आ गई, जिससे बचने के चक्कर में उपनिरीक्षक की शिफ्ट डिजायर गाड़ी फिर भी अंदाज में पलटा खा गई, जिसमें राजीव कुमार सिंह बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें हंडर डाय पुलिस के द्वारा गोवर्धन के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां राजीव कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने मथुरा के लिए रेफर कर दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस कर्मियों ने मानवता को शर्मसार करते हुए दरोगा को एम्बुलेंस सेवा देने से इनकार कर दिया। इस दौरान दरोगा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। अरे इसकी मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप मुझे बताते हैं एक्चुअली में क्या है, उनके बाद में बात करूंगा। वहाँ से मतलब व्यवस्था हो जाती है, जिला जिला अस्पताल से राजकीय अस्पताल जाने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, अब हम जिला अस्पताल जाते हैं। जिला भाई बच्चे मुझे बताया नहीं आपने। जियो दिखा अपना, जियो जियो दिखा अपना, जियो कहाँ है रिटेल में, जियो दिखा अपना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम पे आईडी आईडी डिस्ट अपना रिटेल में जियो दिखा तू अपना, मैं बताता हूँ तुझे। वहीं हंडर डायल कर्मियों के द्वारा घायल उप निरीक्षक राजीव कुमार को हंडर डायल गाड़ी के द्वारा मथुरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस नोकझोंक के संदर्भ में जब हंडर डायल के चालक से बात की गई तो उसने कुछ इस तरह बताया। कौन से एम्बुलेंस चला रहे हैं आप? 108 चला रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल की? गोवर्धन की। अभी एक दरवाजे का चोटल हुआ है और इनको अब हॉस्पिटल जाने के लिए आप मना कर रहे हैं? नहीं, मना कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे, प्राइवेट नहीं छोड़ पाएंगे हम, मना नहीं कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया है गोवर्धन में, क्या किसी को मतलब इमरजेंसी है तो आप हॉस्पिटल नहीं छोड़ पाएंगे? हमारे पास जीव नहीं है कि मतलब हम प्राइवेट छोड़। क्या जीव है तुम्हारे पास? जीव दिखाओ भाई, बात करा क्या है जीव, बात क्या होती है जीव।